हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा भाई? अंकिल जी मैं बबुआ बोल रहा हूँ। अरे भैया, किससे बात करनी है यार? मैं पहचान रहा भाई, कौन बोल रहा है? बोल तो रहा हूँ, बबुआ बोल रहा हूँ। अरे भाई, बाद में बात करिए, टाइम नहीं है बाद में बात हेलो एक करिए, सेकंड। कौन बोल रहा है? हेलो, अब आवाज आ रही है? अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या यार? गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ लोग जिंदगी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आप तो बस गाड़ी चला रहे। बोल जल्दी, बोल किस लिए आम ये गया जल्दी, बोल नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी है मुझे। क्या हो गया, बता जल्दी बता। बाहुबली पिक्चर देखी है आपने? हाँ देख ली, बता क्या क्या नाम दिक्कत है है? अरे बाहुबली? बाहुबली एक वो यूपी में बाहुबली को टिकट दिया फलाना पार्टी ने, बिहार से एक बाहुबली नेता। बाहुबली नेगेटिव नाम है। तू है क्या? सुनो, इतनी हिंसा दिखाई गई है पिक्चर में, मार काट, यहाँ से तलवार, वहां से तीरंदाजी, ऐसी हिंसा देखकर आदमी के अंदर भी हिंसक प्रवृत्ति जागती है। अबे हिंसा मैं दिखाऊंगा तेरे साले, तेरे झापड़ मारूंगा। भाई जानवर, एक आपने देखा बाहुबली हाथी के ऊपर चढ़ गया है? हाँ चढ़ा था, बता तेरे को क्या बेजुबान दिक्कत है इससे। जानवर पे ऐसे अत्याचार करेगा बाहुबली है तो? अबे तेरे को क्या दिक्कत है इस बात से, बता। क्या दिक्कत है? जानवर कुछ बोल नहीं रहा है तो आप चढ़ जाओगे जानवर हम तेरे पर भी चढ़ जाएंगे, ये वाला वाला पे? यानी आप ये कह रहे हो? ऊपर चढ़े या नीचे उतरे? हाँ ठीक है, बता। ऊपर चढ़े या नीचे उतरे, बताइए। ऊपर चढ़े, ऊपर। एक बात बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसके वजह से लोग ज्यादा देर पिक्चर देखने गए। अगर तेरे से एक ज्यादा एक मिनट में YouTube पे ये बता देते तो इतनी बड़ी पिक्चर बनाने की क्या जरूरत थी? आपने अबे कितना साले तू क्या? मैं बहुआ हूं ना हाँ यार। एक आखिरी बात, अरविंद जी पे 2 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं कपिल मिश्रा। एक मिनट, बाहुबली ने 1000 करोड़ ले लिया, उनको ऊपर कोई नहीं बोल रहा है? अरे अरे वो ले रहा है 1000 करोड़ तो क्या, मैं कैसे ले कट रहा है, रहा है? तेरे को पता नहीं है? तेरे पास सबूत है 2 करोड़ का जो लिया उन्होंने? सबूत तो किसी चीज का भी नहीं तो होता, क्या बात कर रहे हैं फिर? इनने 1000 करोड़ ले लिया, इसका सबूत है? मेरे तो क्या पास दिक्कत है? टिकट है 500 रुपए का, अबे क्या करूं भाई, मैं उस टिकट का? टिकट की बत्ती बना और बाकी क्या करना है सब जानते हैं, ठीक है? क्या दिमाग खराब कर रहा साला, तू, आज चल गया वो चीज जो बाहुबली। तू बोल रहा है वो टूट नहीं सकती है, दर्द भले हो सकता है वहां, समझा? चल फोन रख। काट काट। हेलो। नमस्ते अंकल, नमस्ते बेटा, बोलो। 2 मिनट मिल जाओगे? हाँ 2 मिनट मिल जाएंगे, बोलो। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है यार, आजकल उठा क्यों नहीं जाता है? बड़ा वो आता है। क्या आता है? ये क्या आता है? आलस है तो। आलस, यही आता है। अच्छा, फिर आलस को दूर भगा अपना। कैसे? थोड़ा मुंह हेलो, दर्द कर, उबासी आ रही है। तू पागल का बच्चा है क्या? इतने धीरे क्यों बोल रहा है? जोर से बोल। जोर से क्या, मैं अभी तेरी मारू यहाँ पर। सॉरी। गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं। वाइफ है? नहीं, वाइफ तो पता नहीं, अगर किसी ने मन ही मन पति माना हो तो। वैसे तो नहीं है। फिर वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर फुर्ती लाके क्या करेगा? क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ नहीं, देखो वो बात नहीं है, पर मेरी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो गई। देयर वाज अ टाइम क्लबिंग शबिंग पबिंग। वो क्लब की शब्द अपनी शक्ल देखी है, लैटिन में बैठेगा ना तो बाहर कोई दरवाजा पकड़ के बैठेगा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द नॉर्मल मैन। सॉरी। तू शाहरुख खान नहीं है, तू बड़ी एक मिनट, व्हाट बाउली बड़ी कैसे बोल लिया दो इतना गंदा? आज बता ही दो, डरो मत। मैं क्या गंदा बोल रहा हूँ, तू गंदा बुलवा रहा है मुझसे। मैं बुलवा दूँ? मैंने आलस बोला ना। तेरी साले तुझे और कुछ काम नहीं क्या? इतना खुसुड़ फुसुड़ में जो गंदा चीची बोल रहे हो, बैठे कहाँ हो? अरे टॉयलेट में बैठा हूँ। तो जोर से नहीं बोल सकते? जोर से इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे बाहर माँ बाप बैठे हैं इसलिए थोड़ी उनकी शर्म कर रहा हूँ। वरना अच्छा? तेरे जैसे हो गए तो मैं कान के पर्दे फाड़ देता। कान तो एक बार निकम्मे आदमी। बस नहीं, तुम जो कर रहे हो कर लो, बाद में पानी गिरा देना बस। हेलो हेलो, कौन? मैं बबुआ बोल रहा हूँ अंकल। जिंदगी में 2 मिनट है आपके पास। हाँ बोल। क्या बोल? ए बोल, नहीं बोलिए, इज्जत से बात करो। अबो समीर से तू रहने, समझा? वही वही आगे चाटे बरसाऊंगा, मुंह पूरा खा लेगा। क्या मतलब? अबे क्या दिमाग खराब कर रहा है, किससे बात क्या करनी है तेरे को? नहीं, मैं कह रहा था आपसे हेलो, वीकेंड पर भूतनाथ देखने गया था, अच्छी पिक्चर है। हाँ भूतनाथ बढ़िया भी ना मैम। अच्छा बढ़िया, तू सर्टिफिकेट देगा? अरे बढ़िया पिक्चर है, तेरे से पूछ के जाएंगे लोग। अरे तो एक सेकंड, अभी तू भी तो बढ़िया बोल रहा है, बावला है क्या? एक मिनट में हंस रहा है, एक मिनट में बकैती कर रहा है, कर रहा है, चल फोन रहा है। तड़े ना डर से तू मसंद है, ये सब पसंद नहीं है मेरे को।
हेलो अंकिल, बहुआ बोल रहा हूँ। आप क्या काम है? फोन काट दे आप, आपसे मेरी बात तो सुनिए। कहाँ? हाँ बोल रहे तू, तेरे को प्रपोज किया गया शादी के लिए? हाँ बोल रहे। हाँ एक सेकेंड, मैं बहुआ मेरी बात, इतना रिएक्ट नहीं करते अंकिल, ठीक है? रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ? किसने बोला नहीं करते? तू बताएगा नहीं करते? तू क्या मतलब, तेरे भाई को कोई कीड़ा क्या? बहुआ बोलिए, मैं आई अंकिल पैर से, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या? अब वो भी मैं बताऊँ क्या? सुनिए जो हो रहा अगल बगल, सुनिए चिड़िया चहचहा रही है, सुनिए। अहिंसा ने, हिंसा पाप है, पाप हिंसा नहीं है साले, तू पाप है। मैं सुनिए तो मेरी बात, सॉरी प्लीज एक बार। अच्छा बोल। मैं अच्छा क्यों बोलूं? अगर मेरा मन बुरा बोलने का तो अच्छा बोलूं? अबे जवान नहीं ले अब, ट्राई कर दिया बस, कंट्रोल। क्या कंट्रोल? बस आईडी बड़ा बहु बोल रहे हूँ साले, मैं सुनी नहीं रहा हूँ। हेलो, हेलो अंकिल, एक सेकंड। वैसे एक नंबर का कितना? एक रुपया एक नंबर का, एक, दो रुपए दो नंबर, दो नंबर का, ठीक है। एक सेकंड, ये एक रुपया, सॉरी अरे गिराइए नहीं है ना। हाँ अंकिल नमस्ते, मैं हुआ बोल रहा हूँ। कहाँ कटना है? नाक की सीट पे जाइए, बाईं तरफ जो खाली मिले उसमें लग जाइए। अरे फोन में घुस के घर होंगे क्या? नहीं कटना, एक सेकंड, फोन बाद में घर में ना, पहले कर लो, पहले खुल नहीं रही है। हेलो यार, मैं बहुआ बोल रही हूँ अंकिल। बहुआ बोल रहे, ताले समझ में नहीं आ रही तेरे को, फोन क्यों कर रहा तू बार बार? आज मेरी चेन नहीं खुली थी, एक तो प्रेशर आ रहा थी। ये बोल रहा हूँ कहीं का, एस मत करो बगल में, मैं काम कर पहले, सेकंड ये बगल में बात कर लियो, नहीं ये कटरे निकल जाएगी यार। भाई साहब हेलो, कैसे चेन खुलेगी, तरीका तो थोड़ा बताइए। अरे तू बोल रहे तेरे से, इसे चेन खुलवा ले, दांत से खोलेगा। मूंगफली का पैकेट थोड़ी खोलने, दांत चैन नहीं खुल, दिमाग खा रहा है सुबह सुबह। आप चैन का नहीं बचा गए ऊपर से मेरा। हेलो, मोमबत्ती लेके घूम, अगर मोमबत्ती मोमबत्ती खराब रहती है तेरी, मोम से चैन ठीक होती। भाई साहब माचिस है? नहीं है। अबे जलानी नहीं है साले। ओ नहीं, गलत बात नहीं, जल्दी बताइए बाहर। सुनिए मेरी बात, अगर मैं जल्दी कट के बाहर नहीं गया ना, उसने एक नंबर का एक रुपया लिया, बाद में दो रुपए ले लेगा, उसको लगेगा कि मैं उसको दस रुपए दे दूंगा, तू एड्रेस बता दे। भाई साहब एक सेकंड, भाई क्या कौन सी पिक्चर चल रही है, पिछले तीन घंटे से नहीं निकल रहा हूँ। निकल, मेरी निकलेगी तो मैं निकलूंगा। अब दो रुपए देने पड़ेंगे भाई इसके। दो रुपए क्यों? तू इसे 500 रुपए दे दे। आप मेरी से बात की थी, क्या मैंने किया? अबे साले मैंने थोड़ी देखा, तू कर रहा है नहीं है। अच्छा फोन पे बात कर रहा हूँ, फोन पे। एक सेकंड, ये भाई साहब से बात कर दो। हाँ भाई साहब बताइए, क्या करके आए हैं अंदर? इसका चेन नहीं खुला, इसका गच्चा बाहर है। गच्चा क्यों फाड़ दिया? अच्छा बात, अच्छी बात थी। हेलो, फोन दे, फोन दे। हो गई अंकिल, 1 रुपए वापस दो। क्यों? अरे पैंट में किया, आपके टॉयलेट में थोड़ी किया। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहा? पीछे से तो कौआ बोल रहा है, मैं सामने से बहुआ बोल रहा। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था आज मलेरिया का दिवस है, लोग मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मच्छर भगाने की बात कह रहे हैं, पर मैं छाती ठोंक के कह रहा हूँ आपसे भी कि मच्छर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, है कि नहीं? घंटा कहाँ होते हैं मच्छर? मैं साबित कर दूंगा कि मच्छर अच्छे होते हैं, बताऊँ कैसे? बताओ। जरूरत से ज्यादा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं? जी हाँ। यही मच्छर जब चाय के अंदर गिर जाता है तो चाय बर्बाद हो जाती है। Absolutely. तो आप इंग्लिश, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू, बट बिकॉज ऑलरेडी बाय यू सम टाइम। अरे तू हिंदी में बोल ले, जल्दी हो रही। सॉरी, तो मच्छर जब चाय में गिरता है चाय बर्बाद होती है, आप जरूरत से ज्यादा चाय नहीं पीते हो, मच्छर अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। मान गए आपकी बात। अरे मान गए, और बताता हूँ, जब लोग शराब पीते हैं तो शरीर में शराब यानी जहर फैल जाता है, मच्छर आपको काट के वो जहर खुद चूस लेता है। मच्छर को भी तो थोड़े से मजे आ जाते हैं। और क्या, इसलिए शराब पी के जब लोग गटर में गिरते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि गटर में ज्यादा मच्छर होते हैं तो ज्यादा खून चूस लेंगे, जहर बाहर निकाल लेंगे। हंस रहे, एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है नहीं गिरने का। गिरने का तो नहीं, एक्सपीरियंस है। गलत नहीं, गलत नहीं। इसके अलावा कोई चीज आपको फ्री में मिली है और आप उसको बर्बाद कर रहे हो, क्या ये अच्छा होता है? नहीं। इसीलिए आपको कंपनी से सिक लीव मिलता है, मच्छर काटेगा तभी आपको सिक लीव मिलेगा, आप बीमार पड़ोगे तो। है कि नहीं?
एब्सोल्युटली बिल्कुल सही. अगेन यू आर टॉकिंग इंग्लिश बट बिकॉज ऑलरेडी यू वांट मी टू टॉक लिटिल बिट ऑफ इफ यू डोंट माइंड. भाई एक मिनट आप गन्ना मत बोलिए, एक आखिरी सुनाता हूँ. एक बार मेरे को रात को एक मच्छर ने काटा. मैं चप्पल लेके उसके पीछे दौड़ा. पूरी रात भर मैं मच्छर को मार नहीं पाया, लेकिन मेरे को खुशी है कि मैंने मच्छर को भी रात भर सोने नहीं दिया. बताओ कैसी रही. तू बस कर ले. एक बार एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान, उसको मच्छर काट रहे थे, उसने लाइट बंद कर दी, तभी उसको अचानक जुगनू दिख गया. जुगनू क्या होता है पता है? वही जैसे बल्ब लगा होता है और कौन है. तभी वो अंग्रेज को अंधेरे में जुगनू दिखा. अंग्रेज पता है क्या बोला? क्या बोला? तेरे जैसे इंग्लिश में, ओ माय गॉड, हिंदुस्तान का मच्छर तो टॉर्च लेके आ गया, ये देखो. सांसे उखड़ गई इसकी. सांसे नहीं, तेरा फाड़ लूंगा मैं. गलत आदमी. हेलो. हेलो, कौन की बात कर रहे हैं? हाँ जी जी. अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ. नमस्ते. ये दिव्या जी आप ही की फ्रेंड है? दिव्या कौन? दिव्या, दिव्या पत्नी. जी जी हाँ हाँ. आप कौन? व्हाइट कलर की स्कूटी है उनकी. जी 539 नंबर है. जी जी बिल्कुल. मैं अभी यहाँ खड़ा था ट्रैफिक सिग्नल पे. अच्छा. उनकी स्कूटी के पीछे, हेलो, दो बाइक पे दो लड़के पीछे से ये स्कूटी से. भैया आपकी आवाज कट रही है. भैया दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या. हाँ जी दिव्या मेरी फ्रेंड है. क्या हुआ? व्हाइट स्कूटी है. हाँ जी. 589 नंबर है. हाँ जी हाँ जी. मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके देख रहा था. हाँ जी. वो स्कूटी लेके आगे आगे जा रही, पीछे दो लड़के बाइक पे. अरे क्या क्या बात हो गई है? दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या. अरे हाँ, आगे तो बता के, तब से अटके जा रहा है. अरे गलत बोल रही है, एक तो मैं फोन करके तो गलत बोल रहा हूँ तो के मुझे टेंशन हो रही है. तू क्या बोल रहा, सही से बोलना फिर, आगे तो बता तू. उनकी व्हाइट स्कूटी है. हाँ के कितनी बार कहूँ, लिख के दे दूँ तो फिर कर लेना पता. मैं रख देता हूँ फोन, मेरे को गलत तो बोल रहा है. बताना तो बता. वो आगे जा रही थी स्कूटी पे, पीछे लड़के बाइक के पीछे. कुछ हुआ ना दिव्या को तो तेरी. इतना गलत बोल रहे हो आप, समझ नहीं कि तू बात ऐसी कर रहा है. आगे बता क्या. एक सेकंड में क्या कर रहा हूँ. अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो. हाँ अब आ रही है सही. मैं खड़ा था सिग्नल पे. हाँ. वो स्कूटी पे जा रही थी, पीछे हाँ. पीछे दो लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे. आगे तो बता हुआ क्या, कुछ करा तो नहीं है? नहीं, वो दो लड़के हेलमेट पहने थे. अच्छा. आपकी फ्रेंड ने हेलमेट नहीं पहना था. मैं यही कह रहा था कि हेलमेट पहनना अच्छा रहता है, वरना कहीं कुछ हो जाए तो सर में चोट वोट न लग जाए. उसको बोल देना हेलमेट पहन के खड़े. लड़के पहन सकते हैं, लड़कियों क्यों नहीं हेलमेट पहनी? तू ऐसी बात है, तू ऐसी इस तरीके से कहेगा कि अगले बंदे की फट जाए. अपनी बत्तीसी और फाड़ रहा है. मैं क्या, आपको क्या लगा? रख दे फोन. उनको बोलो हेलमेट पहने. फोन काट दे अब, नहीं तू जहाँ खड़ा ना वहीं काट दूंगा. तू हेलमेट पहना दियो, गलत बोल रहा है. हेलो. नमस्कार सर, चेरू बात कर रहा हूँ, हिप्पस गोल प्राइवेट लिमिटेड से. क्या सही समय बात करने का? बात कर रहे हैं सर, आपकी बारे में आपने बात करनी है. क्या हो गया सर? चेरू बात कर रहा हूँ, हिप्पस गोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से. आपकी बात हिप्पस गोल क्या है, क्या हो गया सर? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपकी बात मैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से करवाऊंगा. एक कॉल रिकॉर्ड भी किया जा सकता है सर. हाँ जल्दी करवाइए. पॉवर्टी है सर. राजीव जी नमस्कार. नमस्कार जी, मैं बउआ बोल रही हूँ. कौन बउआ? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से. हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड क्या है? हिब्बस गोल्ड सर जी, 15,000 की अभी हाल ही में जो सेल पीरियड था उसमें शॉपिंग करा था आपने. हाँ जी करी है. तो एलिजिबल हो गए हैं वो जो हॉलीडे पैकेट है? हॉलीडे पैकेट लेना चाहेंगे? यही हिब्बस गोल्ड है. आप ऐसे एटीट्यूड मार रहे. अब बताइए, हॉलीडे पैकेट आपने चुना है ना? एक सेकंड, उसमें आपको मिलेगा एक छोटा सा टूथपेस्ट, छोटा ब्रश, टंग क्लीनर, पेपर सोप, फिटकिड़ी की डली, छोटा गोल्ड सीसा, तेल की डिबी और छोटी कंघी. नहीं मैं पैकेट समझा नहीं, कौन सा पैकेट है ये? पैकेज नहीं, पैकेट बोला था हमने. ये वो पैकेट है हॉलीडे का जो आप जब हॉलीडे पे जाएंगे तो ले जाएंगे. तेरी तुमने अपने के बनाया हुआ है? नहीं. फोन करके आपको क्या लगा? कहीं भेज रहा है मुझे घूमने के लिए? कहीं भेज. अगर वो चाहिए तो ये पैकेट एक बार वापस देंगे तो उसका ऑप्शन भी खुले. सर आपने जाना, मतलब पैकेज बताऊं मैं आपको? हाँ जल्दी बता. तो उसके लिए आपको ना छोटा सा खेलना पड़ेगा कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको बताना होगा कि वो जगह जहां हम आपको भेजेंगे वो बी से है. उसका नाम बी से बैंकॉक. ओ एक बार हेलो बोलो. हेलो. आपकी आवाज से लगता नहीं कि आपको वहां का वीजा भी मिलेगा. एक सेकंड, वो ऐसी जगह बी से नाम है जहां पर तिलिस्मी एक्सपीरियंस और जन्नत के झड़ोके है. बताइए कौन सी जगह? जन्नत है. जन्नत. हाँ
हाँ जी कश्मीर, आपके पिताजी ने भी बी से कश्मीर कभी लिखा था? तेरे बाप ने लिखा था। मैं बी से बोल रहा हूँ, कश्मीर बोल रहा है। तो जब बैंकॉक बोल रहे हो तो कह रहा वीजा नहीं है ना यार, और जगह बताओ बी से। ज्यादा टाइम नहीं, हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी हिब्बस गोल्ड की। एक सेकंड, बी से नाम बताइए। बी से भोपाल। भोपाल नहीं, बॉम्बे। बॉम्बे नहीं, एक सेकंड, आप एक काम करिए, छोड़ दीजिए, हम आपको भेज रहे हैं, अब आप जगह का नाम लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। बी से वहाँ बहुत सारे लोग गए हैं। हाँ लिखे, बी एच एच डबल ए डबल ए। डी से दुबई। डी से दुबई, भाड़। भाड़ में जाएंगे आप? तू जाएगा भाड़ में। बस गई, आपको जब पैकेट दिया वो भी नहीं, पैकेज दिया वो भी नहीं, भाई कुछ नहीं चाहिए। चेरू आप, सर आपने बहुत गलत बोला, आपको डागा बप्पन उठा लेगा सर रास्ते से। गंदा बोला चेरू, हमारी कंपनी का नाम क्या है? हिब्बस गोल्ड। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ओके भाई। हेलो, बड़ा सन्नाटा है, क्या सो रहे थे? कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, नमस्ते। कौन बउआ भाई? मैं बउआ भाई, मैं नहीं जानता तेरे को, फोन रख। हेलो अंकिल, सॉरी ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कई लोगों को लगा रहा था, आपका गलती से उठाए, दो मिनट लगेगा। मैं आप भाई साहब दोस्त फ्रेंड, जस्ट अ सेकंड, नॉट मोर देन वन मिनट, प्रॉमिस, योर कसम। भाई मेरी कसम क्यों खा रहा है तू? सॉरी, आप मान नहीं रहे, माँ बहन की कसम। हेलो, गलत नहीं, इंसान को पहचानने का थोड़ा नजर रखो ना, आजकल लोग आदमी को छोड़ो औरतों को नहीं पहचानते, लड़कियों को नहीं पहचानते। मैं गाने सुन रहा था, आजकल के गाने कैसे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की लड़कियों के, मतलब जो वो होते हैं ना गुण, जैसे कि एक मैं सुनाता हूँ आपको, गुण पहचानी है, सिर्फ गाना नहीं है ये, इसमें गुण छलक रहे हैं, टपक रहे हैं, जैसे इस डीजे वाले बाबू मेरा गाना सुना आपने? ये कौन सी लड़की है पता है? डीजे वाली लड़की नहीं, डीजे वाले तो वो बाबू है, ये लड़की लड़की है निरंतर प्रयत्न करने वाली, हार्डवर्किंग लड़की, कभी हार न मानने वाली, इतने टाइम से वो कह रही है, वो सुने न सुने, हमें प्रयत्न करना है कि डीजे वाले बाबू का है कि नहीं। दूसरा देखो यार, अब ये बताइए, नॉक द डोर टाइप का कोई भी अंदर मोरालिटी नहीं रखा, एकदम फ्रैंक लड़की, कट टू कट बात, कुंडी मत खड़काओ, ये दूसरा टाइप है। तीसरा सुनिए, अगर आपको किसी को रक्तदान करना है तो कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए, इसका 47 है, ये कुपोषित लड़की, माल नरिस्ट है ना। ए, तीसरा सुनिए, ये फ्रैंक लड़की है लेकिन ये चाहती है आगे मिलना अकेला। क्यों? क्योंकि ये बस स्टैंड के पीछे डॉक्टर हाशमी दवा खाने की कंपाउंडर है, ये चाहती है रोगी वहाँ पे अकेले मिले, है ना? तेरा बाप ही तो बैठा ना। आप फिर गलत बोल रहे हैं, फोन के अंदर घुसूंगा और क्या करूंगा, मारेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। समझ गए, एक और सुनिए, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच, ये पता है कैसी लड़की है? एकदम संस्कारी और ट्रेडिशनल लड़की है। क्यों? अच्छा। क्योंकि अभी तक ये दूसरे से कह रही है कि तू खींच मेरी फोटो, यानी इसके पास फ्रंट कैमरे वाला मोबाइल अभी तक पहुंचा नहीं है, यानी ये लड़की अभी भी काम से काम रखती है, सिर्फ फोटो नहीं खींचती। तो खींच मेरी, बस करो, गलत बोल रहा है, और एक लड़की से मिलाता हूँ, वो तेरे को लाइन पे, सुन ये सुन आखिरी, सारे मिल के हमको पागल बना के बच्चे, ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अम्मा को बता दूंगा, तेरे नंबर दे दूंगा, अम्मा तेरे लिए कुछ कह रही है, सुन ये सारे मिल के हमको पागल बना के बच्चे, बताइए कैसी लड़की है, कैसी लड़की, एकदम अंगाड़, समझा, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, रख दे बात कर सुपर इट्स 93.5 एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है, क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था, गुड मॉर्निंग, जरा सुनिए। हेलो कौन? हाय। हेलो, कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट, लेडीज कौन बोल रहा है? बउआ हियर, सॉरी बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मैं दोबारा
डोंट इरिटेट मी प्लीज टेल मी आई नीड इट मेरी बात है आप फोन काट रही हैं मैं बहुआ बोल रहा हूँ आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं बात प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी मतलब का आपका तूने कुछ किया होगा मैंने क्या किया पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया क्या सच बताया था कि वो कितनी बच्चूडे दिखती है हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी अच्छा देखा तुमको हंसी आ रही उसको नहीं आई बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी जाएगी ना जाए तो जाए मैं झूठ क्यों बोलूं रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है क्या बात है और क्या दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था अच्छा उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी वेरी गुड फिर क्यों गई छोड़ के अब तो लड़की तो पूरा मानेगी मानेगी बुढ़ा माने लड़की को बाहर ही तो घूमना बाहर घूमना होता है टूरिज्म करना है तो मलेशिया जाओ मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे लड़की ने लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती बर्बाद हो जाती अच्छा मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती क्या करती तुम आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया क्या किया उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ कोई नहीं है अच्छा कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए उसके घर चला जाता मैं भी वही किया हाँ। मैं उसके घर गया लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ कितने लोग जाएंगे उसका मन लगा जाएगा बहुत अच्छा काम किया आपने उसी पर छोड़ के भग गई हो बहुत अच्छा भागना ही चाहिए था ऐसा क्यों जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ शादी के बाद भी क्या सुहागरात जॉइंट फैमिली के साथ मनाया अब मुझे इशारा मिल गया है आर यू सिंगल चल तू बकवास बंद कर फोन रख अपना मेरी बात सुनिए आप बहुत सारे बैंकों से हम लोगों को कॉल्स और SMS आता है कि हमारे से कार्ड ले लो हमारे से लोन ले लो क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कम है तो इसी बात पे हमने जरा एक भाई साहब हेलो ये बैंक से बात कर रहे थे मैं वो बोलूँ समझ आऊंगा आपसे दो मिनट लिए क्या सही समय आपसे बात करने का हाँ सही समय बताओ अंग्रेजी में बात करने के लिए एक दबाए हिंदी के लिए दो दबा सकते हैं कौन बोल रहा है भाई आप दबाइए तो भाई क्या दबाया हम समझ नहीं आया मुंह से बोल के दबाना होगा दो दबाया भाई एक सेकंड रुकिए मैं आपको जरा होल्ड पे डालूंगा ये दबा हेलो हेलो जी हाँ साहिल जी हाँ बोल रहा हूँ तो ये जो अकाउंट नंबर आपने बताया XXXXXX672 एक सेकंड जानकारी एक मिनट आपको होल्ड पे डालना चाह रहा हूँ वापस से साहिल जी क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं दो मिनट होल्ड पे डालना चाहूंगा क्षमा चाहेंगे आपको होल्ड पे डालने के लिए हैं क्या बोलिए बता तू बता तू फोन किया तू बताएगा मैं बताऊंगा ठीक है एक सेकंड मैं दो मिनट आपकी जानकारी एक मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ नहीं डबल एक्स ट्रिपल एक्स फिर डबल एक्स बताऊँ तुझे डबल एक्स ट्रिपल एक्स गलत एक सेकंड 672 होल्ड पे चढ़ा डालते बार बार ये म्यूजिक सुना रहा आधे घंटे से रखा है क्या अच्छा म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा आपको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा दूसरा म्यूजिक चेंज करते हैं ना एक मिनट आपको एक सेकंड के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ मैं तुम्हारी अब की बारी एक सेकंड होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया आप कुछ कह रहे थे हाँ मैं ये कह रहा था अगर आपकी बार यहाँ पे फोन किया तो मार दूंगा परदेसी परदेसी आप गंदा बोल रही हो मैं दो मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको होल्ड पे रखना चाहता हूँ यहाँ पे फोन करके अगर मेरी सोच रहा है ना तो बैंक से हम बैंक से ही बोल रहे हैं हमें ऊपर से आदेश आया है क्या आदेश आया ऊपर से आपने देखा नहीं बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया है अच्छा तो अब हमको तो इंटरेस्ट नहीं है ना तो हम टाइम पास ही कर रहे बस गंदा बोल रहे फोन रख पाँच सौ हजार के नोटों पे जो बातचीत हो रही है लोग ATM के बाहर खड़े हैं नए करारे नोट के लिए या 100 का पुराने मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है तो इसी बात पे बउआ ने एक भाई साहब के मजे लिए कैसे चुटकुले बना बने से सुनिए तो हेलो नमस्ते अंकिल नमस्ते बेटा कौन बेटा बाप लग रहे हो क्या बेटा बोल रहे हो अबे तो तू भी तो अंकल बोल रहे मैं सॉरी अंकिल मैं कह रहा था चौथी में था सिलेबस बदल गया दसवीं में गया सब्जेक्ट बदल गया
ग्रेजुएशन में गया, पैटर्न बदल गया। और अब क्या बदला बेटा? पैसे कमाने लगा, नोट बदल गए, देख रहे हो। सुनिए तो, बोल बेटा बोल। बैंक में लाइन लगाने के बाद मेरे को पता चला कि जियो के जियो सिम के लिए जो लाइन लगी थी वो नेट प्रैक्टिस थी, असली मैच तो अब शुरू हुआ। ओ माय गॉड, दिल खुश इंसान लग रहा है। चलो और एक सुन। हेलो, अबे बोलेगा सुन रहा हूँ ना क्या? हेलो ओए, 100-100 के 10 नोट मेरे पास, औकात मेरे, गंदा मत बोल। साले फोन में घुस के ना तमाचा मार के वापस आ जाऊंगा। सुन अच्छा सर जी, बैंक का मैं दूसरी बार जब पैसे निकालने गया ना, तो जो बैंक का गार्ड था वो ऐसे देख रहे जैसे मैं भंडारी की लाइन में दूसरी बार हलवा पूरी लेने गया हूँ। तू हंस रहा है, तू भी बड़ा हलवा पूरी खाया भंडारे का है कि नहीं? एक से मैं सुना रहा हूँ, 2-3 चीजें मैंने लिखी है। मोदी जी ने कर दिया 500,000 बंद, काला धन लेने वालों की हो गई बंद, नहीं हो गई झंड, पागल आदमी। बस कट। लोग एटीएम के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं। रेडियो पे गाना बज रहा था, बड़े अच्छे लगते। एक मिनट और एक सुन। मुद्दतों बाद वो मिली भी तो बैंक में। अब बताओ, मोहब्बत करें या नोट बदलवाएं? अबे तूने फोन नहीं रखा ना? हाँ जी, तो फोन में घुस के तेरी दो जूते मार के आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। अच्छा एक आखिरी सुन लो। ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और जब एटीएम से पैसे निकालने जाना तो मोबाइल चार्जर तकिया और बड़ा वाला टिफिन भी लेते जाना। हेलो। हेलो जी अंकिल। हाँ जी, कौन? दिलीप जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी बताइए। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो आपके एक बड़े अच्छे मित्र हैं जी, राकेश जी साहब। जी जी, उन्होंने ही बताया था कि आपने अभी तक बाहुबली नहीं देखी है। नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्यों फोन किया मुझे? क्यों फोन मैं आपने इसलिए किया ना, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था आपको कि कटप्पा ने जो बाहुबली को मारा है उसके पीछे का मेन कारण यही था कि जब वो तो बता रहा, क्यों बताना चाहता है? मुझे नहीं सुनना है ना। नहीं तो आपने नहीं देखा ना अब तक? नहीं नहीं, तो एक मिनट, उसको बोलने के लिए, बात करने के लिए, जब कटप्पा उसके पीछे तलवार लेके दौड़ा। अरे नहीं नहीं, बता, मैं देख लूंगा अपना। आप इतनी ओछी बात, मैं आपको आपको हेल्प कर रहा हूँ बता के कि आखिर कहानी क्या थी। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं सुनना ना। आपको नहीं बात कर रहे हैं। हेलो, तो कटप्पा जब तलवार लेके बाहुबली के पीछे देख लूंगा, सुन लो, 2 सेकंड में बता दूंगा सर, आप सुन तो। हेलो, तेरी बच्ची के लिए बार बार फोन कर रहा है, जब कह रहा हूँ नहीं सुनना मेरे को, क्या? हेलो, हाँ हेलो, आप गाली क्यों दे रहे हैं? हेलो, कौन? मैं सुरभि बोल रही थी, आपका नाम ही है ना ये? शर्मा जी जी, मेरा ही नाम है, बताइए। तो आप इतना गंदा बोलेंगे, बात मेरी बात सुनी, उस वाउचर की बात करनी थी और उसको फटाफट बात करके खत्म करते हैं। आप गलत मत बोलिए, वो जो 750 रुपए का आपका कैश बैक आया था, या तो वो आप कैश ले लीजिए, या तो 1,000 रुपए की शॉपिंग या फिल्म के वाउचर दे देंगे, आप बताइए कौन सा। नहीं नहीं, तो मुझे कैश भिजवा दिए ना, मुझे फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखता फिल्म। क्या नहीं चाहिए? आप कैश ही भेज दो, 750 नहीं देखता, मूवी नहीं देखते, 750 कैश लेंगे। मूवी पक्का नहीं जानी? मूवी नहीं 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 जानी। तो फिर तो इसको स्टोरी बताने देते ना आप। अरे किसको स्टोरी बताने दो? अजय मैं बउआ, बाहुबली को कटप्पा ने इसलिए नहीं सुनना, क्यों आपने बोला पिक्चर नहीं देखनी है? अरे नहीं देखनी, तो स्टोरी सुन लेना, मेरे को पिक्चर नहीं देखेगा, स्टोरी तो नहीं देखनी ना। तो कटप्पा को जो पीछे से दौड़ाया कटप्पा की, ओ माय गॉड, इतना गंदा, इतना घटिया भाई गॉड। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, मैं इस वक्त एक मंच पे खड़ा हूँ, पर्दा हटने ही वाला है। अच्छा, मेरे सामने एक माइक होगा। अच्छा, सामने जनता होगी। अबे तू बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे एक सम्मान मिला है। कैसा सम्मान? एक सेकंड रुकी, पर्दा हट गया। शुक्रिया एवरीवन फॉर क्लैपिंग, प्लीज तालियां साथ। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर मेरी हौसला अफजाई। भाई ताली बंद कर रहा, मुझे सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। भी कोई सम्मान दे? एक सेकंड रुकिए ना प्लीज भाई साहब, मेरे को इनके सामने 2 शब्द बोलना है, मेरे को ज्यादा बोलना आता नहीं है, मदद कर दो मेरी, मैं 2-3 लाइन लिख के आया हूँ, आप बस उसमें थोड़ा सा जल्दी। हाँ नमस्कार, शुक्रिया। वो तो बजवानी शुरू कर दी, वो बजा रहे ना मेरी अदाओं पर,
बोलना चुप करके बैठे सर। चुप हो गए यार। आपकी आवाज में तो तेल में जादू, सॉरी आपकी बोल में जादू है। वाह, मेरे तो बताने किस किस में जादू है। एक मैं इनसे भाषण, आप सबका मैं मन से, दिल से, तन से और क्या से? क्या बात, स्टूडेंट तालियां बजने लगी। नहीं, दिमाग से स्वागत। पहले इन तालियां बंद करा तालियां। बस इन सब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सब लोगों को देकर नहीं खुश बनाकर नहीं, सॉरी आज मुझे जो हासिल हुआ है भाई साहब, प्लीज आप थोड़ा सा ऐसा मत बोलिए, मेरी हंसी छूट रही है माइक पे। आप लोगों ने मुझे ग से क्या से ग से जो गाइडेंस दिया है, पसे पसे प्यार दिया है, उसका मैं शुक्रिया। तालियां बंद करिए प्लीज। इसके अलावा मेरे माँ बाप को भी आज, हेलो, तेरे माँ बाप को शर्म आ रही होगी आज के तू पैदा हुआ। वो प्लीज आप गलत बोल रहे हैं, बस करिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर इतना लंबा हो, इतना लंबा। कितना लंबा? जितना लंबा अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन का क्या करियर? करियर है। आप गलत आदमी, सोच बदलो हिंदुस्तान बदलेगा। गलत बोल रहे, इसलिए मैं जाते आते आप लोगों को कहना चाहता हूँ आप सबकी अरे चुप क्यों हो गए? बजाओ, अरे चुप कर, बजाओ, बस तुझे समझ नहीं आ रहा ए भाई साहब, बजाओ।